वेलकम टू अवर चैनल 100% नॉलेज विद सक्सेस। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं यशु सैनी BSc सेकेंड ईयर की फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। आज की क्लास में हम एल सेक्शन फिल्टर और चोक इनपुट LC फिल्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, है ना। और यह इसे बोलते हैं एल अनुभाग फिल्टर या चोक निवेशी LC फिल्टर। देखो, पहले हम दो फिल्टर पढ़ चुके हैं। एक फिल्टर तो था हमारे पास पार्श्व पथ संधारित फिल्टर, यानी कि संट कैपेसिटर फिल्टर, जिसमें हम लोड RL के पैरेलल में क्या लगाते थे, कैपेसिटर लगाते थे, संधारित्र लगाते थे। और दूसरा था हमारे पास श्रेणी प्रेरकत्व फिल्टर, यानी कि सीरीज इंडक्टर फिल्टर, जिसमें हम लोड RL के श्रेणी क्रम में क्या लगाते थे, हम इंडक्टर लगाते थे। ठीक है, तो आज जो हम इस फिल्टर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं ना, इसका क्यों उपयोग में ले रहे हैं, क्योंकि हमारे पास वो जो फिल्टर होते हैं ना, वो पूर्णतः उर्मिका को क्या नहीं करते हैं, रिपल को क्या नहीं करते हैं, समाप्त नहीं करते हैं। ठीक है, जो दिष्टकारी होता है, रेक्टिफायर होता है, उससे जो हमारे पास आउटपुट वोल्टेज होती है, निर्गत वोल्टता होती है, वो स्पंद मान होती है, कई बार बता चुका हूँ मैं, पल्सेटिंग होती है। ठीक है, तो जो रिपल होते हैं हमारे पास, वो पूर्णतः क्या नहीं होते, हटते नहीं हैं। तो फिर हम कौन से फिल्टर का काम में लेते हैं, एल अनुभाग फिल्टर या चोक निवेशी LC फिल्टर। ठीक है, इस फिल्टर को देखने से पहले आप पहले की दो वीडियो जो फिल्टर की है वो कंप्लीट कर लेना, है ना। तो सबसे पहले हम वही एल अनुभाग फिल्टर का क्या देखते हैं, सर्किट डायग्राम। तो देखो, इसमें क्या होता है, हमारे पास एक ट्रांसफॉर्मर होता है, ये फुल वेव रेक्टिफायर के लिए निकाल रहे हैं हम, पूर्ण तरंग दिष्टकारी के लिए निकाल रहे हैं। ये हो गया हमारे पास क्या, ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर में हमने इनपुट किया क्या, प्रत्यावर्ती वोल्टता, यानी कि प्रत्यावर्ती वोल्टता को इनपुट किया हमने, है ना, प्रत्यावर्ती अल्टरनेटिंग वोल्टेज को। ट्रांसफॉर्मर की सेकेंड कुंडली पर हमें क्या मिलती है, वोल्टता मिलती है क्या, VS। सेंटर टेप होता था, यहाँ से हमने एक वायर लिया। और कितने डायोड यूज़ में लेते थे, दो, एक डायोड तो क्या D1, और दूसरा डायोड होता था हमारे पास क्या, D2 होता था। क्लियर है यहाँ तक। इसमें हमारे पास यहाँ पर एक लगा होता था क्या, लोड। लोड वो होता है जहाँ पर हमें दिष्ट वोल्टता मिलती है, डायरेक्ट वोल्टेज मिलती है ना, निर्गत मिलता है, आउटपुट मिलता है हमें। रेक्टिफायर का काम क्या होता है, ये जो हमारे पास अल्टरनेटिंग होती है, प्रत्यावर्ती होती है, इसको दिष्ट में बदल देना। लेकिन ये ऐसी ना बदल के इसमें क्या पाए जाते हैं, रिपल पाए जाते हैं। तो इन रिपल को ख़त्म करके ऐसी बनानी है, उसके लिए हम किसका यूज़ में लेते हैं, फिल्टर का। बहुत बार बता दिया ना, ये दूसरा डायोड होता है, ये इससे हमारे पास ऐसे कनेक्ट होता है। क्लियर है, ये क्या है, हमारे पास फुल वेव रेक्टिफायर है। अब देखो, जब हमारे पास LC फिल्टर होता है ना, तो इसमें हम एक L काम में लेते हैं और एक C काम में लेते हैं। ठीक है, पहले जो हमने फिल्टर पढ़ा था, ध्यान रखना, जो फर्स्ट फिल्टर पढ़ा था हमने, वो क्या पढ़ा था हमने, और सेकंड क्या पढ़ा था, फर्स्ट जो पढ़ा था हमने, पढ़ा था पार्श्व पथ संधारित्र फिल्टर पढ़ा था, और सेकंड क्या पढ़ा था, श्रेणी प्रेरकत्व फिल्टर, है ना। पार्श्व पथ में क्या होता था, संट कैपेसिटर फिल्टर था एक तो हमारे पास, और एक था हमारे पास सीरीज इंडक्टर फिल्टर था। अब जो ये संट कैपेसिटर फिल्टर था ना, इसमें तो क्या करते थे हम, याद करो सर्किट डायग्राम, RL के पैरेलल में कैपेसिटर लगा देते थे, और श्रेणी में हमारे पास ये जो RL होता है, इसके सीरीज में हम क्या लगा देते थे, इंडक्टर लगा देते थे। ठीक है,
और ये किसको कम करते थे, ये दोनों ही किसको कम करते थे, ऊर्मिका को कम करते थे, रिपल को कम करते थे। लेकिन इन दोनों ये फिल्टर से जो ऊर्मिका होती है, रिपल होते हैं, वो कम पूर्णता नहीं होते हैं, रह जाते हैं। तो उसके लिए फिर हम कौन सा काम में लेते हैं, एल अनुभाग फिल्टर। इसमें क्या करते हैं हम कि सी का भी उपयोग करते हैं, एल सी बोल रहे हैं ना, सी का भी यूज में लेते हैं, कैपेसिटर का यूज में भी लेते हैं और इंडक्टर एल का भी यूज में लेते हैं। तो सी तो इसमें क्या लगाते हैं, देखो सी तो इसके लगाते हैं वही पैरेलल में, सी तो किस में लगाते हैं, पैरेलल में। और इंडक्टर जो लगाते हैं वो क्या लगाते हैं, वही सीरीज में लगा देते हैं जैसे पहले लगा होता, मतलब दोनों को जोड़ दिया, एल को भी जोड़ दिया और सी को भी, दोनों को जोड़कर, एल और सी को जोड़कर जो फिल्टर बनाया है ना वो कौन सा हो गया, एल सी फिल्टर। अब देखो एल ऊर्मिका कम करती है, रिपल को कम करती है, हमारे पास प्रत्यावर्ती भाग को हटाती है। अगर कुछ भाग रह जाता है तो वो कौन हटा देता है हमारे पास, अल्टरनेटिंग का, ऊर्मिका का, रिपल का, कैपेसिटर हटा देता है। ठीक है, तो पहले की कंपैरिजन में हमें यहाँ पर ऊर्मिका ज़्यादा कम हो जाती है और दिष्ट हमें पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा सही मिलती है, एक तरीके से प्योर मिलती है ना। तो इसके लिए भी हम किसका मान निकालेंगे, ऊर्मिका गुणांक का मान निकालेंगे, रिपल फैक्टर का मान निकालेंगे, है ना। तो देखो ऊर्मिका गुणांक और रिपल फैक्टर जो होता है वो क्या होता है, मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ मैं कि जो ऊर्मिका गुणांक होता है, ऊर्मिका गुणांक डेरिवेशन है, या रिपल फैक्टर जो होता है ना वो क्या होता है, ये याद रख लेना। इसमें होता है एक तो क्या, प्रत्यावर्ती घटक अपोन क्या, दिष्ट घटक, यानी कि इसको हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग कंपोनेंट। ठीक है, अल्टरनेटिंग कंपोनेंट अपॉन डायरेक्ट कंपोनेंट, डायरेक्ट कंपोनेंट। अब देखो वो कौन से होते हैं, वोल्टता के रूप में भी हो सकता है, ई ए सी अपॉन ई डी सी, प्रत्यावर्ती वोल्टता अपॉन दिष्ट वोल्टता, या फिर हमारे पास करंट के रूप में भी होता है क्या, प्रत्यावर्ती वोल्टता अल्टरनेटिंग करंट अपॉन दिष्ट करंट। ये होता है हमारे पास ऊर्मिका गुणांक की, कितना हमारे पास ऊर्मिका रह जाती है किसमें, हमारे पास ये जब इससे हमारे पास आउटपुट मिलता है, निर्गत मिलता है, दिष्ट वोल्टता जो मिलती है उसमें। तो देखो इसको करने के लिए ये जो डेरिवेशन बना रहे हैं, फुल वेव रेक्टिफायर के लिए बना रहे हैं, पूर्ण तरंग दिष्टकारी के लिए बना रहे हैं, तो फुल वेव रेक्टिफायर के लिए पूर्ण तरंग दिष्टकारी से जो निर्गत वोल्टता होती है, निर्गत वोल्टता होती है, वोल्टेज होती है, ये जो फुल वेव रेक्टिफायर है ना, अगर मैं एल की बात नहीं कर रहा और सी की बात नहीं कर रहा ना, तो लोड आरएल पर जो वोल्टता मिलती है ना वो हम किसकी हेल्प से बताते हैं, मैंने कल भी बताया था फूरिये थ्योरम की हेल्प से, जिसे फर्स्ट ईयर में आपने ऑप्टिक्स में पढ़ा था, फूरिये प्रमेय है ना। तो उसकी हेल्प से हम बताते हैं कि कितनी मिलती है, वी जीरो इज इक्वल टू, ये इक्वेशन लिखाई थी मैंने आपको कल भी, कितनी, टू ई एम अपॉन पाई। वी एस क्या होता था, वी एस यही तो होता था, ई एम साइन ओमेगा टी होता था। तो वी जीरो कितना मिलता है, टू ई एम अपॉन पाई माइनस 4 EM अपॉन कितना, 3 पाई cos 2 ओमेगा टी। ये इक्वेशन मैंने कल भी आपको बताया था पहले की वीडियो में ना, 4 EM अपॉन 15 पाई cos 4 ओमेगा टी डैश 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 डैश। तो ये वोल्टता मिलती है हमारे पास RL पर। ठीक है, ये वोल्टता में देखो ये जो टर्म है ना, फर्स्ट टर्म, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि इसका मान, ई एम फिक्स होता है, टू फिक्स होता है और पाई फिक्स होता है,
तो इस टर्म की जो वैल्यू आएगी ना हमारे पास वो फिक्स होगी। और हम जानते हैं कि जो हमारे पास दिष्ट वोल्टता होती है ना उसकी वजह से 5 वोल्ट है तो हमेशा फिक्स ही रहेगी ना 5 वोल्ट। अगर ये आ गई तो देखो कभी तो इंक्रीज हो रही है बढ़ रही है, कभी डिक्रीज हो रही है घट रही है, फिर इंक्रीज हो रही है बढ़ रही है, डिक्रीज हो रही है क्या हो रही है घट रही है ना। तो ये फिक्स रहे, यानी कि ये जो पद है ना हमारे पास वो क्या है, हमारे पास दिष्ट वोल्टता का है। और फुल वेव रेक्टिफायर में भी हम निकाल चुके हैं जो दिष्ट वोल्टता होती है वो 2 EM/ कितनी होती है, पाई होती है। अब दिष्ट वोल्टता जब EDC = 2 EM/π होती है, क्यों होती है क्लियर कर लेना, क्योंकि चेंज नहीं हो रही है, जो चेंज नहीं होगी वही दिष्ट होनी चाहिए हमारे पास। फिर IDC की बात आ जाती है भाई, जब EDC इतनी होती है 2 EM/π, तो IDC हम फुल वेव रेक्टिफायर यानी पूर्ण तरंग दिष्टकारी के लिए निकाल चुके हैं कितनी होती है 2 EM/πR+RL। और इसमें एक कंडीशन हम पहले भी लगा चुके हैं, RL इज ग्रेटर देन RO, तो R को नेगलेक्ट मानकर छोड़ देते हैं, तो IDC = कितना आ जाएगा 2 EM/π क्या RL। तो ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, IDC की। IDC की वैल्यू कितनी आ गई 2 EM/πRL। ठीक है, अब आगे सुनो। अब जो लोड पर हमें वोल्टेज मिल रही थी ना, वोल्टा मिल रही थी ना, ये इक्वेशन बता रही है भाई इतनी मिल रही थी आपको यहाँ लोड पर। अभी LOC की बात नहीं कर रहे हैं ना, लोड RL पर इतनी वोल्टता मिल रही थी, कितनी V0 मिल रही थी हमारे पास, वोल्टेज इतनी मिल रही थी लोड पर। अब देखो हमने क्या बोला कि ये जो लोड पर वोल्टता मिलती है ना इसमें दिष्ट वाला भाग भी होता है प्लस प्रत्यावर्ती डायरेक्ट भी और अल्टरनेटिंग। अल्टरनेटिंग वाले को क्या बोलते हैं, उर्मिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उर्मिका बोलते हैं, रिपल बोलते हैं। अब क्या होता है कि ये दोनों मिलती है हमारे पास, तो दिष्ट का तो सीधा सीधा सा कॉन्सेप्ट आ गया भाई, चेंज नहीं हो रही तो ये दिष्ट है। अब ये cos 2 ωt cos 4 ωt, चलो 4 EM/3π तो कॉन्स्टेंट है, लेकिन ये cos 2 ωt का अगर हम ग्राफ बनाए तो ये ग्राफ कुछ ऐसे वेरी करता है हमारे पास, करता है या नहीं करता, यानी कि इसकी वैल्यू क्या होगी, इस पद की वैल्यू चेंज होगी विद अकॉर्डेंस किसके, cos 2 ωt के अकॉर्डिंग, है ना, चेंज होगी नहीं। और जिसकी वैल्यू चेंज होती है ना वो किसको शो करता है, उर्मिका को शो करता है, प्रत्यावर्ती को शो करता है, अल्टरनेटिंग को शो करता है। ये क्या है, अल्टरनेटिंग, और यही इसे ही हम क्या बोलते हैं, रिपल बोलते हैं। तो ये जो ये वाला है ये वाला है, ये क्या है, उर्मिका है हमारे पास, प्रत्यावर्ती वाला भाग होता है, ठीक है, अल्टरनेटिंग वाला भाग होता है। तो अब देखो ऐसे बहुत सारे आते हैं, cos 2 ωt आ गया, cos 4 ωt आ गया, cos 6 ωt आ गया, है ना, cos 8 ωt आ गया। तो जो आगे के पद आते जाएंगे ना उनका जो इफेक्ट होता है ना लोड पर वो बहुत ही कम होता है, लोड पर जो इफेक्ट होता है ना वो बहुत ही कम होता है, उनको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट होता है ना ये फर्स्ट टर्म का होता है, सेकंड टर्म का होता है यहाँ पर, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं जो उर्मिका वोल्टा होता है, रिपल वोल्टेज होती है, उर्मिका वोल्टा यानी कि रिपल वोल्टेज जो होती है में केवल कौन सा, सेकेंड टर्म रिस्पॉन्सिबल होती है, उत्तरदायी होती है। कौन सी टर्म रिस्पॉन्सिबल होती है, यानी कि सबसे ज़्यादा इफेक्ट यहाँ पर हमारे पास दिष्ट भी होता है और प्रत्यावर्ती भी होता है। देखो ऐसी वेव बताई थी ना, ऐसी ऐसी, तो इसमें दिष्ट वाला भाग भी है और प्रत्यावर्ती में भी, तो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल ये वाला पार्ट होता है, यही बनाता है यहाँ स्पंद, ठीक है। तो इसको हम लिख लेते हैं कितना होता है, ये 4 EM/3π होता है, इंटू cos 2 ωt होता है।
अब ये क्या है, वोल्टेज है, वोल्टता है। और मैंने आपको बताया था कि जब भी आप अल्टरनेटिंग की बात करते हो, प्रत्यावर्ती की बात करते हो, तो कौन सा मान लेते हैं हम, रूट मीन स्क्वायर वैली। अतः क्या ले सकते हैं हम, जो प्रत्यावर्ती वोल्टता होती है यानी अल्टरनेटिंग वोल्टेज होती है, या उर्मी का वोल्टेज होती है, रिपल वोल्टेज होती है, वो कैसे निकालोगे बताओ। देखो 4 em/3 pi, ये तो ऐसे ही ऐसे लोड पर उर्मी का वोल्टता कितनी मिलती है, यहाँ पर EAC से रिप्रेजेंट करूँगा मैं इसको, EAC से, ठीक है, EAC से 4 em/3। ये cos 2 ωt दिखाई दे रहा है आपको, है ना, ये cos 2 ωt का आप वैसे तो पूरे का निकालते, जैसे हमने I = Im sin ωt का कैसे निकाला था, वर्ग माध्य मूल मान कैसे निकालते हैं, 1/T0 से T I² dt से निकाले थे, और इसका क्या लिया था हमने, रूट। तो अब यहाँ I की जगह आपको क्या रखना है, ये 4 em/3 pi cos 2 ωt रखना है और सोल्व कर लेना है, ये तो फॉर्मूला है। तो देखो 4 em/3 pi पर तो कोई फैक्ट नहीं पड़ता, जब आप ये पूरा इंटीग्रेशन शो करोगे ना, आई स्क्वायर की जगह ये वैल्यू रखोगे, तो इसका आपका पास रूट मीन स्क्वायर वर्ग माध्य मूल मान निकलेगा। और जब सोल्व करोगे ना, तो बस इसमें कॉस 2 ωt क्या बना देता है, 1/√2 बना देता है। कॉस का जो साइन का होता है ना, उसमें हमेशा 1/√2 आएगा। आपने पहले भी सोल्व किया है, जब हमने निकाला था Im/√2 आया था, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि जो प्रत्यावर्ती वोल्टता होती है हमारे पास EAC, वो कितनी निकली आई हमारे पास, EAC जो निकली आई वो कितनी निकली आई हमारे पास, 4 em/3 pi √2 निकली आई। अब हम यहाँ पर क्या निकाल रहे हैं, प्रत्यावर्ती वोल्टता निकल गई हमारे पास। अब प्रत्यावर्ती क्या निकालो आप, अल्टरनेटिंग क्या निकाल लो, करंट निकाल लो, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, IAC से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, IAC से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या होती है, ओम्स लॉ क्या कहता है, I = V/R, ठीक है। अब देखो लोड को तो आप छोड़ो, यहाँ से जो वोल्टता आएगी ना, वो किन किन में जाएगी, देखो L में जाएगी और C में जाएगी। यही तो L और C किसको किसका काम करते हैं, उर्मिका को हटाने का काम करते हैं। तो देखो प्रत्यावर्ती वोल्टता जो मिली ना हमारे पास, वो तो कितनी मिल रही है, EAC। अभी लोड की हम बात नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखना, अभी पहले हम L और C की बात कर रहे हैं। L और C में वोल्टता कितनी आई, EAC, है ना। और अब इसमें हम करंट निकाल रहे हैं, इसमें करंट निकाल रहे हैं इन दोनों में, कितनी IAC कितनी होगी, देखो IAC इन दोनों में जो करंट फ्लो होगी, IAC = I = V/R होता है। V कितना है हमारे पास, EAC है, तो EAC / R। अब देखो L और C का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। अभी आप देखो कंफ्यूज हो गए ना, तो लोड RL को आप हटा लो, है ना। अब देखो किस में आ रही है आपके पास जो करंट आ रही है बह के, IAC L और C में आ रही है। और 12th क्लास में आपने पढ़ा है कि जो इनकी प्रतिबाधा होती है ना, कितनी होती है बताओ L और C की प्रतिबाधा, Z = होता है XL - XC होता है। लिख देता हूँ मैं यहाँ पर क्या होता है, देखो Z = XL - XC। फेस शिफ्ट होता था ना इनमें, XL की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा L, और XC की होती है क्या, 1/ωc। ये तो पता होना चाहिए, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, है ना। तो अब देखो यहाँ पर इसकी जो आवृत्ति होती है वो कितनी है, 2 ω होती है। कितनी है इसकी, देखो आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2 ω। तो यहाँ पर जो बनेगा, देखो ओमेगा की जगह कितना लिखोगे, 2 ωL,
माइनस वन अपॉन टू ओमेगा सी। इतनी करंट फ्लो हो रही है इसमें से, किसमें, एल और सी में से। क्लियर है या नहीं क्लियर है? एल और सी में से कितनी करंट फ्लो हो रही है? आई ए सी, दिष्टकारी से आगे एल और सी लग रहा है, तो इसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है? इतनी हो रही है। इसे हम लिख सकते हैं आई ए सी इज इक्वल टू, वैसे इसमें यहाँ पर क्या होगा, लोड लगा देंगे चलो अभी, है ना। आई ए सी इज इक्वल टू, ई ए सी की वैल्यू कितनी होती है, 4 EM अपॉन 3π√2, और इसमें डिवाइड कर दो 2 ωL माइनस 1/2 ωC। तो ये करंट जो है ना वो फ्लो होकर आ रही है L और C में से। अब हमें जो वोल्टता चाहिए ना वो लोड पर चाहिए, ये EDC लोड पर मिलती है। तो लोड इसके आगे लगा होता है यहाँ पैरेलल में, यहाँ लगा होता है लोड RL में। अब यहाँ पर वोल्टता क्या होगी, यहाँ पर वो वोल्टता होगी प्रत्यावर्ती जो C पर होगी केवल। देखो डाइसर के डायग्राम से समझना, वैसे तो दोनों सीरीज में थे ऐसे करंट फ्लो हो रही थी, लेकिन जब हम लोड जैसे ही लगाएंगे ना तो जो C और RL पैरेलल में, जितनी वोल्टता C पर होगी पैरसेनी समांतर क्रम में पैरेलल कॉम्बिनेशन में, वोल्टता या वोल्टेज क्या होती है, समान होती है। तो जितनी वोल्टता C पर होगी उतनी वोल्टता RL पर होगी, ठीक है। तो C के सापेक्ष वोल्टता निकालनी है, अब ध्यान रखना। इसलिए ठीक है, इसलिए क्या लिखेंगे हम, संधारित्र C के, कैपेसिटर C के सिरों पर क्या वोल्टता या वोल्टेज, अब इसे मैं रिप्लेस कर देता हूँ EAC, क्योंकि अब ये किसके लिए काम में आ रहा है, लोड के लिए। पहले बिना लोड था जब इन दोनों में करंट बह रही थी, अब लेकिन आउटपुट किसके लिए लेना है, लोड के लिए। तो C देखोगे क्योंकि ये इसके पैरेलल में, और करंट कितनी फ्लो हो रही थी इसमें C में से, IAC। तो कैसे निकालोगे, E बराबर यहाँ इसके लिए वोल्टता क्या होगी, V बराबर IR, I कितनी है, IAC, और R कितना है, ये इसके क्या होता है, इंटू XC, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, बस सोल्व कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, उर्मी का गुणांक आ जाएगा। तो देखो इसको सोल्व करते हैं, हम सोल्व कैसे करेंगे, हम इसको सोल्व करते हैं। देखो देखो EAC इज इक्वल टू, IAC की वैल्यू ये है 4 EM अपॉन 3π√2 और 2 ωL माइनस 1/2 ωC, है ना, इनटू, और XC क्या होता है, 1/ωC। लेकिन जो पद लिया है उसमें आवृत्ति कितनी है, 2 ω, तो यहाँ आएगा 2 ω। EAC इज इक्वल टू 4 EM अपॉन 3π√2, एलसीएम ले लेते हैं 2 ωC, ठीक है, 2 ωC, तो ये बनेगा 4 ω² एलसी माइनस 1 इंटू 1/2 ωC। 2 ωC से 2 ωC क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा, EAC इज इक्वल टू 4 EM अपॉन 3π√2 4 ω² एलसी माइनस 1। ये किसकी वैल्यू आ गई, EAC की वैल्यू आ गई। आ गया प्रत्यावर्ती घटक, कैसे निकालेंगे ये आपको याद रखना है, ये तरीका है, ऐसे ही निकलेगा और कुछ नहीं कर सकते हम, है ना। इसलिए अब क्या निकाल लो, रिपल फैक्टर, यानी कि क्या उर्मी का गुणांक, भाई कितनी उर्मी का होती है इसमें वो देख लेते हैं हम। R इज इक्वल टू वो होता है प्रत्यावर्ती घटक अपॉन दिष्ट घटक, तो R इज इक्वल टू 4 EM अपॉन 3π√2 4 ω² LC माइनस 1।
और ईडीसी कितनी है, देखो नीचे तो क्या आ जाएगा 2EM और ऊपर क्या चला जाएगा पाई गया। अब इसको बस सोल्व कर लो तो किसका मान निकल जाएगा, रिपल फैक्टर का, आर इज इक्वल टू पाई से पाई कैंसिल, ईएम से ईएम कैंसिल। अब देखो दो से कितनी बार गया, डिवाइड हुआ टू, नीचे बच रहा है थ्री रूट टू और फोर ओमेगा स्क्वायर एल सी माइनस वन बच रहा है। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं, किसको, टू अपॉन थ्री रूट टू को। इसको जब हम सोल्व करते हैं ना, टू में थ्री रूट टू की वैल्यू का भाग देते हैं हम, है ना, डिवाइड करते हैं तो ये आता है आर इज इक्वल टू 0.47 और नीचे क्या 4 ओमेगा स्क्वायर एल सी माइनस वन। इतना हमारे पास क्या होता है, उर्मी का गुणांक होता है, रिपल फैक्टर होता है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास प्रोसेस है क्या निकालने का, रिपल फैक्टर उर्मी का गुणांक निकालने का, तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है, और एक फिल्टर और रह रहा है आज की क्लास के लिए, इतना ही है ना। थैंक यू।